हाँ भाई, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और लाइबा को यहाँ पर मैं एडमिट कर लेता हूँ भाई। चले भाई, तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले प्लगइन वाले सेक्शन पे आ जाते हैं, इंस्टॉल प्लगइन। और हमने अभी तक कौन कौन से प्लगइन कर लिए, एलिमेंटर के सारे, एलिमेंटर के रॉयल, ठीक है, रॉयल एलिमेंटर, स्मार्ट स्लाइडर। अब आप आओ ऐड न्यू पर, यहाँ पर एक वेबसाइट में आपको ओपन करता हूँ। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आप लोग आओ और यहाँ पर सर्च करो कॉन्टेक्ट फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, ये सर्च करो। ये वाला नेम देख लो भाई, यहाँ पर इंस्टॉल कर लो। ये देखो, ये वाले फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 को भी इंस्टॉल कर लो और ये WP फॉर्म्स को भी इंस्टॉल कर लो, ठीक है। मैं 1 मिनट, 1 मिनट वेट कीजिएगा, ये दोनों इंस्टॉल हो जाए। बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है भाई यहाँ पर। ठीक है भाई, ये प्लगइन हो रहा है अभी, ये वाले प्लगइन को ये हो जाए, ठीक है। आवाज़ आ रही है ना मेरी क्लियर? अभी देखो, ये वाली वेबसाइट को जो है ना, मैंने तकरीबन 1 महीने पहले स्टार्ट किया था, और शायद आप बोल लो 2 से 3 हफ्ते। अब इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या आती है कि कोई भी मेरी वेबसाइट में है उसको इस तरीके से पॉपअप शो हो, ठीक है। वेबसाइट मुझे क्या आता है भाई, मुझे आता है वर्डप्रेस। अब मुझे ये काम वर्डप्रेस पे करना था, ठीक है। अब ये बिना कोड के जो है पॉसिबल नहीं था, ठीक है। थोड़ा कोड भी आना चाहिए आप लोगों, लेकिन जो है मैंने वो भी नहीं करना था। तो मैं किसका यूज़ करूँगा, मैं प्लगइन वगैरह का यूज़ करूँगा। तो ये भी जो है एक पॉपअप आपके सामने आ रहा है, अभी मैंने इस वेबसाइट को सिर्फ ओपन किया, तो फर्स्ट ये क्या हुआ, ये पॉपअप आया हमारे सामने। अच्छा, ये अब पॉपअप आता क्यों है, ठीक है। अब पॉपअप इसलिए आया कि बंदे के पास एक सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए कि आप इस वेबसाइट पे आएँ, एंड अगर वो अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल के जो है ना यहाँ पर सब्सक्राइब करता है, तो जो है उसकी लीड जनरेट होती है। हम क्या है, हाँ भाई, हम क्लाइंट हैं उनके लिए, हम उनकी वेबसाइट पर आ रहे हैं। अब जो बंदा आ रहा है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग वो कर सके, इस वजह से जो है लीड जनरेट करने के लिए ये जो है फॉर्म लगाया जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्म वगैरह कैसे बनता है उसको देखते हैं भाई, ठीक है। अब इसको क्लोज़ करो, ठीक है। अब क्लाइंट का भी एक अलग रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पर एक बटन हो गेट अ कोड का, ठीक है। ये वही टेम्पलेट है, एलिमेंटर किट वाला टेम्पलेट जो कि मैंने वहाँ से उठाया है, ठीक है। आप लोग उठा लेना वहाँ से। उसके बाद जो है देखो, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक फॉर्म और आ रहा है, क्लिक करने पे पॉपअप आ रहा है, ये देखो पॉपअप आ रहा है, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये फॉर्म किस लिए होता है भाई, लीड जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब ऊपर मैंने इस तरीके से फ़ोन नंबर, लोकेशन लगाया हुआ, ये बैनर्स वगैरह एलिमेंटर्स ही मैंने सेट कर दिया है, और बाकी ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया, सब जो है ना वो है क्या बोलते हैं टेम्पलेट का मैंने यूज़ किया, जो ये वेबसाइट रेडी हो गई है। आप देखो, अब ये वेबसाइट में कौन कौन सी प्लगइन की नीड पड़ी, सबसे पहले तो डिज़ाइनिंग के लिए एलिमेंटर जो कि हमने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद टेम्पलेट्स वगैरह के लिए जो है एलिमेंटर किड एंड रॉयल, ठीक है, वो वाला दोनों प्लगइन। उसके बाद जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की ज़रूरत पड़ी हमें, किसकी भाई, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7।
जो कि एक फॉर्म जनरेटर टू वो है, प्लगइन है। ठीक है, यहाँ मैंने यहाँ भी टेम्पलेट का यूज़ किया हुआ है। देखो मैप मैंने इस तरीके से लगाया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद तो देखो यहाँ पर एक फॉर्म आ रहा है। ठीक है, अब इसके पीछे भी ना कोडिंग हुई रहती है, वरना ये फॉर्म जनरेट नहीं होगा। अब कोई भी यहाँ पर आता है, ईमेल एड्रेस मैसेज करता है, सेंड करता है, तो उनके ईमेल पर डायरेक्ट जो है मैसेज सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो भाई कि ये लगता कैसे है। मैंने जो प्लगइन आप लोग इंस्टॉल करवाया, सबसे पहले तो ये दो प्लगइन आप लोग करो। यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर देता हूँ मैं। कॉन्टेक्ट फॉर्म लिखना, ये दोनों फॉर्म आपके पास आ जाएगा। WP लाइट आ गया भाई हमारे सामने, WP फॉर्म्स लाइट, इसको भी एक्टिवेट कर लो। ये सेकंड वाला प्लगइन है, कॉन्टेक्ट फॉर्म मेरे ख्याल से ये है, वो एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, अब इसको भी एक्टिवेट कर लेते हैं। काम तो वैसे एक फॉर्म का है, किसी एक फॉर्म को ही समझ कर जो है हम फॉर्म ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो है मैं आप लोगों को दोनों प्लगइन पे बता देता हूँ। ठीक है, ताकि काम इजी हो जाए, जो आप लोगों को इजी लगे। ठीक है, इसको अभी कट कर दो। फिलहाल हमें अभी कहाँ लगाना है, हमने शायद कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म बनाया हुआ, सॉरी पेज बनाया हुआ होगा। पेजेस वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। अब ये हमने बनाया हुआ है, इसके एडिट पर जाते हैं। ठीक है, और एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है, ये वाले सेक्शन पर हम आ गए। अभी यहाँ पर जाइएगा एडिट विद एलिमेंटर पर, उसके बाद हम फॉर्म ऐड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्लो है लोकल होस्ट, तो हमें इतना जो है वेट करना होता है। ऐसे ही सेम काम जो है ना लाइव में भी जो है ना, लाइव सर्वर पर डोमेन लेकर जो हम काम करते हैं उस पर भी सेम यही है भाई, कि अगर इंटरनेट फास्ट होगा तो फास्ट काम होगा, लेकिन लोकल सर्वर पर जो अपने मर्ज़ी का काम होता है वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। जितना फास्ट आपका सिस्टम है, आपका लैपटॉप पीसी है, उसी हिसाब से जो है वो उतनी स्पीड आप लोगों को यहाँ मिलेगी। ये आ गया भाई कॉन्टेक्ट अस। अब यहाँ पर फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर देखो किस तरीके का टेम्पलेट मैंने यूज़ किया है। दो सेक्शन लेते हैं फिलहाल तो। ठीक है, दो सेक्शन यहाँ हम लेते हैं। ठीक है, अभी हम सबसे पहले आते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। वहाँ से जो है कॉन्टेक्ट फॉर्म एक जनरेट करते हैं। अभी फ़िलहाल बना हुआ तो होगा यहाँ पर। अगर मैं इसके, हमने कौन सा प्लगइन इंस्टॉल किया, WP फॉर्म्स एंड कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, या WP फॉर्म्स, देखो WP फॉर्म्स आ गया। अब इस पर क्लिक करो, ये देखो ये बना हुआ होगा, शायद बना हुआ हो। और कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 को भी ले लेते हैं हम। कॉन्टेक्ट फॉर्म ये रहा, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, इसको हम ले लेते हैं। और यहाँ से एक फॉर्म सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर स्टाइल, ये देखो ये आपके सामने आ गया भाई, योर नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज। ठीक है, ये फॉर्म भी आ गई आपके सामने। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये जो है ना प्लगइन के थ्रू हुआ। अगर प्लगइन पे हम काम नहीं करते, इंस्टॉल नहीं करते, तो ये नहीं होता। अभी इसकी सेटिंग भी करते हैं। अब WP फॉर्म को भाई गेट स्टार्टेड करना होगा, यहाँ से इनके टेम्पलेट्स वगैरह हैं उनको यूज़ करना होगा। ठीक है, तब जाके जो है इंस्टॉल होगा। तो सेम दोनों का एक ही काम है। अभी कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाते हैं, लेकिन आसान जो है वो ये वाला है। इसमें टेम्पलेट होता है, आपने बस उठाना है और लगाना है। ठीक है, वो तो एलिमेंटर किट के अंदर भी बहुत सारे फॉर्म के टेम्पलेट मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम सीखते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म, क्योंकि यही ज़्यादा यूज़ होता है कॉन्टेक्ट फॉर्म। ठीक है, ये आप लोग खुद भी ट्राई कर लोगे। अभी ये आ क्या आ गया भाई,
देखो यहाँ अलग अलग फॉर्म है हमारे पास, अभी फिलहाल इसको कैंसिल कर दो और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पर जो है ना मुझे योर नेम की जगह या योर ईमेल की जगह ना योर मोबाइल नंबर लिखना है, तो मैं कैसे चेंज करूँगा? एलिमेंटर के अंदर आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप प्लस के आइकन पर क्लिक करो, यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पर आप लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है, कंटेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि हम एलिमेंटर के फॉर्म को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम अलग से एक फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को, तो हमें उसकी सेटिंग में जाकर ये सारी चीज़ें करनी होंगी। आप लोग कलर वगैरह देख लो, कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो फॉर्म का वो यहाँ पे कर सकते हो। बटन जो है, बटन को जो है बॉर्डर रेडियस वगैरह दे सकते हो, मार्जिन पैडिंग देकर बटन को बड़ा कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर चेंजेस करनी है, जैसे हर क्लाइंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, किसी में लिखा रहता फॉर्म में योर कंपनी ऐसे ही है ना, या हमें बढ़ाना हो मतलब एक बॉक्स और ऐड करना हो, ठीक है, वो एलिमेंटर के अंदर नहीं होगा। वो कैसे होता है, पहले आप पहले तो अपडेट करो, उसके बाद आप आओ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर, ठीक है। आओ भाई डैशबोर्ड पर आ जाओ, उसके बाद यहाँ देखो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 ढूंढो भाई, कहाँ पर है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7? WP फॉर्म्स तो दिख रहा है, ये रहा, कॉन्टेक्ट में आओ, कॉन्टेक्ट फॉर्म से शायद यही है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, कॉन्टेक्ट पे आ जाओ, कॉन्टेक्ट फॉर्म्स, फॉर्म के एडिट में आते हैं। अब देखो ये कोड आपके सामने आ गया है ना, यहाँ पर तीन ऑप्शन है, फॉर्म, मेल, मैसेज, एडिशनल सेटिंग्स, ठीक है। फॉर्म के आप लोग सेटिंग वगैरह कर सकते हो, ये वही फॉर्म है भाई के जो आप लोग जो है ना, एक मिनट मैं रिप्लाई कर दूँ किसी स्टूडेंट का जो है। हाँ तो भाई कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे भाई यहाँ पर कांटेक्ट फॉर्म पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अलग अलग जो है ना, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है कोडिंग हुई हुई है, ठीक है। सबसे पहले एक लेबल का टैग लिया गया है, ठीक है, उसके बाद जो है योर नेम, योर ईमेल और उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर ये हमारे कोड दिख रहा है और एक बटन लगा हुआ था देखो, सबमिट बटन, जो कि यहाँ पर आपको फ्रंट एंड में कहाँ पर हम काम कर रहे थे एलिमेंटर पर, जो कि फ्रंट पे इस तरीके से दिख रहा था, अगर हम बैक आए तो वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अगर हमें चेंजेस करनी हो तो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है भाई योर नेम, ठीक है, मैं इसको दे देता हूँ जस्ट नेम दे देता हूँ मैं, ठीक है, जस्ट आप नेम दे दो। उसके बाद जो है मुझे एक सेक्शन जो है वो और ऐड करना है, तो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, या आप लोग लेबल का टैग लेकर जो है यहाँ पर कॉपी करो, ठीक है,
यहाँ पर मैं एक स्पेस क्रिएट कर देता हूँ, अभी ये नेम मैं चेंज कर देता हूँ, योर कंपनी कंपनी, ठीक है। और भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो यहाँ पर, जैसे कि यूआरएल लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। हम बाद में जो है ना, जब ई कॉमर्स बनाएंगे तो हम ये भी देखेंगे, कैप्चा वगैरह जो होता है ना, गूगल फिल करने बोलता है, बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा, कोई भी प्रोडक्ट पे क्लिक करो या किसी भी इमेज पर या फॉर्म फिल करो तो पहले कैप्चा को फिल करो, ठीक है। तो वो भी वर्डप्रेस में आप लोग कर सकते हो, ठीक है, अपनी वेबसाइट में लगा सकते हो। ये तो हो गया फॉर्म्स की सेटिंग। या चार ऑप्शन और है, एंड सेकेंड में है मेल, कि साइट जिस पे आपने मेल सेंड करवानी है वो मेल आपने यहाँ पर देना है, ठीक है। किस पे भाई, कि आप लोग जो है ना मेल इस तरीके से नहीं दोगे, मेल आप लोग इस तरीके से दोगे कि आप लोग जो सी पैनल होगा वहाँ पर एक मेल क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो सी पैनल पे मेल क्रिएट किया जाता है, तो वहाँ से क्रिएट करके वो मेल आप लोग दोगे। तो सी पैनल का भी काम है फिलहाल, इसको रहने देते हैं, अभी लोकल सर्वर पे काम कर रहे हैं तो कोई सी पैनल नहीं है हमारे पास, हमारी वेबसाइट का, ठीक है। तो वो मेल आपने यहाँ पर देना है, कोई भी बंदा आता है फॉर्म फिल करता है हमारी वेबसाइट में, कोई भी यूज़र, तो हमारे सी पैनल वाले मेल पे जो है वहाँ पर मेल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट का मेल आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, आपको अपना मेल जो कि आप लोग वर्डप्रेस जब बना रहे होगे तो आपने मेल दिया होगा, तो वही मेल यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये एडिशनल सेटिंग है जो आप लोग कर सकते हो भाई, ठीक है। उसके बाद मैसेज, मैसेज में ये कि अगर यहाँ पर आप लोग एक एक चीज़ पढ़ लेना, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगी, अगर कोई मेल सेंड करता है तो उसको कौन सा मैसेज जाए, ठीक है। अगर कोई मेल सेंड नहीं होता है, मतलब मान लो कोई वहाँ पर लिखा हुआ है फ़ोन नंबर, तो वो यूज़र वहाँ पर ईमेल लिख रहा है, ठीक है। तो अगर फील्ड बताए आपका फॉर्म जो है, तो वहाँ पर उसके सामने क्या शो हो, तो आप लोग ये सब पढ़ के देख लेना, ईजी है सारा, अपने हिसाब से जो आप लोग मैनेज करोगे, ठीक है। उसके बाद जो एडिशनल सेटिंग, इसको नहीं देखते, ये कस्टम कोड वगैरह है, कोई फॉर्म अगर आप लोग क्रिएट करना चाहते हो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेव करो, अभी देखते हैं कि चेंज हुआ या नहीं हमारा फॉर्म। अभी यहाँ पर रिफ्रेश करो, उस्मान ने जो है अभी वर्डप्रेस वाले ग्रुप में जो है क्वेश्चन ग्रुप में आपने एक मैसेज भेजा है। हाँ भाई, तो आप लॉगिन करें ना, wp-admin से लॉगिन करें तो ये लॉगिन हो जाएगा, और आप लॉगिन करें अगेन अपने पीसी पे तो ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करा था, योर ईमेल, शायद वो फॉर्म यहाँ पर नहीं आई, ठीक है, हम दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं। मैंने एलिमेंटर को शायद रिफ़्रेश किया है, इसको रिफ़्रेश करते हैं। एंड मैंने जो यहाँ से सेव किया था भाई, यहाँ से सेव करते हैं, यहाँ भी सेव हो गया होगा। फॉर्म में आते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं भाई। ये देखो, इस तरीके का ना एरर आपके सामने भी आएगा, तो इससे आपने कुछ करना ही नहीं है। ये जब इंटरनेट स्लो हो आपका, या आपके सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा हो या लैग कर रहा हो, तो उस टाइम ये एरर आता है। तो ये सेफ मोड अनेबल नहीं कर देना आप लोग, ठीक है, एलिमेंटर के ऑप्शन पे जाकर, ठीक है, इसको ऐसे इग्नोर करो आप लोग इस ऑप्शन को जो है। अभी मैं अगेन रिफ़्रेश करूँगा एक से दो बार, तो ये प्रॉब्लम जो है सेट हो जाएगी। ये प्रॉब्लम एलिमेंटर में बार बार आता है, ठीक है, आया भी बात समझ। तो ये देखो हो गया, और ये ऐड भी हो गया, नेम योर कंपनी, ठीक है, जो हमने वहाँ से जो है कोड में जाके जो है जो वो चेंजेस की थी, ठीक है। अगर कम करना चाहते हो तो जो वहाँ पर जितना कोड लिखा हुआ है तो वहाँ पर आप लोग वहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है। सेम
वही काम जो है WP फॉर्म्स के अंदर है। ठीक है, WP फॉर्म्स कहाँ है भाई? WP फॉर्म्स इसको ओपन करते हैं, ऑल फॉर्म्स। यहाँ पर आ गया है क्रिएट योर फॉर्म, इस पर क्लिक कर दें। मैं अभी तक जितने भी क्लाइंट का काम जो किया हूँ, जितने भी वेबसाइट पे मैंने फॉर्म लगाए, वो मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से लगाए। ठीक है, और मैंने अपनी वेबसाइट जो नहीं है मेड प्लेक, तो उस पर मैंने ये वाला फॉर्म यूज़ किया हुआ है, तो उस पर भी मेल आ जाती है मतलब। ठीक है, और एलिमेंटर के अंदर भी एक ऑप्शन आपको दिखाता हूँ फॉर्म्स का। ठीक है, यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्म्स, फॉर्म बिल्डर। ठीक है, एक फॉर्म बिल्डर आ रहा है और फॉर्म स्टाइलर आ रहा है, ये भी एक प्लगइन है अलग से, मेल चिम। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी आप लोग काम कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली काम कर सकते हो। ठीक है, पर यहाँ काम नहीं करना चाहिए, एक वजह जो मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पर देखो, टेक्स्ट चेंज करना है, नेम चेंज करना है, ये आसान काम है इस तरीके से, और ये थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अब दोनों काम समझ लो। ठीक है, दोनों दोनों तीनों तरीके से आप लोग फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो क्लाइंट बोलता है योर नेम योर कंपनी, इस तरीके से काम करने, तो आप लोग क्या, जैसे वो बोले कि योर फ़ोन नंबर योर ये चीज़ मेरे मेल में होनी चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल जैसे कि ये नेम है, अगर मैं इसकी तरह बनाना चाह रहा हूँ, तो सिंपल कॉपी कर लोगे, और वो जो चेंज है वो आप लोग यहाँ पर कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये बटन्स बटन्स की सेटिंग है। ठीक है, जो कि ये ईजी है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हमें कोड के ज़रिए बनाना होता है। ठीक है, ये तो एलिमेंटर का, लेकिन ये प्योर कोड है। अब इसमें होता क्या है, मान लो कि आपने यहाँ एलिमेंटर से ही फॉर्म लगा दिया, पर ऐसा होता है ना कि कोई भी बंदा आके यहाँ पर मेल जो है पुट अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करता है, उसके बाद यहाँ सेंड के बटन पे जब क्लिक करता है ना, तो वो मेल सेंड नहीं होती। ठीक है, आपको पता है एलिमेंटर कितना स्लो है, उसके बाद जो है इसमें मेल का जो है इशू आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है भाई क्या करना, कि काम आप लोग जो करोगे इस वाले प्लगइन से करना। ठीक है, लेकिन फिर भी जो इजी लगे वो तरीका करना, करके देखो, शायद मेरे सिस्टम में कोई इशू आ रहा होगा जब एलिमेंटर का मेल सेंड नहीं हुआ, लेकिन जो है ज़्यादा काम जो इस पे आप लोग कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे मेल कैसे ऐड करते हैं, बटन्स यहाँ पर आ जाते हैं, सेटिंग्स सेटिंग आ जाते हैं, न्यू फॉर्म, सक्सेस मैसेज, उसके बाद एक्शन, ईमेल एंड ईमेल। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर आप लोग ईमेल दे सकते हो फ्रॉम मेल, कि आपके मेल पर जो है वो ऑटोमेटिक जो है सेंड, अभी देखो लोकल होस्ट आ रहा है। ठीक है, तो लोकल होस्ट के PHP माई एडमिन में हमें जाकर देखना होगा कि भाई, ठीक है, कि वो मेल हुई या नहीं हुई। तो ठीक है, तो इस तरीके से तो हमें लोकल पर करना नहीं है। ठीक है, और रिप्लाई टू यहाँ पर भी अब आप अपना मेल डाल दीजिए। ठीक है, और बाकी यही सेटिंग है, ये वाली करके आप लोग देखना, इजी है ये फॉर्म जनरेट करना कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म में। ठीक है, और आप लोग को मैं बताऊं कि ये वाला जो डिज़ाइन है मैप, ये किस तरीके से भाई बनता है, सिंपल यहाँ पर आओ एलिमेंटर पर, और एक सेक्शन लो, प्लस पे क्लिक करो, और यहाँ ले लो भाई मैप, मैप सही है, इस मैप को लो, इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करो। ये देखो, ये फुल स्क्रीन में आ गई भाई, और जितना ये फुल स्क्रीन में नहीं आई, ये फुल स्क्रीन करते हैं। नाइन इस नेविगेटर ऑन करो अपना, राइट क्लिक कर कर, ये देखो 9 डॉट पर क्लिक करो, और यहाँ पर कर दो फुल वेथ। ठीक है, तो ये फुल स्क्रीन पर आ जाएगी। ठीक है,
अगर बॉक्स के अंदर रखना चाहते हो तो वही ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पर जो है अपना एड्रेस दो, सबसे पहले इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करो, यहाँ वो एड्रेस अपलोड करो, अपने मैप पर जाओ, वहाँ पर जो एड्रेस का लिंक कॉपी करो, ठीक है, और यहाँ पर आके पेस्ट करो। क्लाइंट का जो से भी एड्रेस है भाई, कहीं भी उसकी कंपनी है, ठीक है, तो वहाँ से एड्रेस कॉपी करो और यहाँ लाकर पेस्ट करो, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग जाके जूम इन भी कर सकते हो, जितना जूम करोगे ना, ये देखो ये वहीं पर दिखाएगा, ठीक है, और आप लोग हाइट अपने हिसाब से रख सकते हो भाई, कितना मैप दिखाना है, ठीक है, इतना तो फ़िलहाल हमें नहीं दिखाना है, इतना बहुत है, ठीक है, जूम फ़िलहाल अभी मैं कम ही रहने देता हूँ, ठीक है। ये दो फॉर्म आ गया हमारे सामने, फ़िलहाल एक को डिलीट कर दो, और इसको मैं राइट में अगर मैं करना चाहूँ उसको इस तरीके से मैं मूव करके ला सकता हूँ, ठीक है, और जो भी कंटेंट कंटेंट है देखो ये इस तरीके से बना हुआ है ना, फ़िलहाल कंटेंट रहने देते हैं, अभी कोई इशू वगैरह आप लोगों के साथ आ रहा है, ठीक है सर। लेबल के बाद अंदर भी तो चेंज करना होगा, लेबल भाई कौन सा लेबल की आप बात कर रहे हो, और मैं समझा नहीं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 या एलिमेंटर पर जो हम काम कर रहे हैं वो, कॉन्टैक्ट फॉर्म उसके अंदर 7, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन जो है लेबल वगैरह का काम जो है आप जो प्लगइन यूज़ करें उसी के अंदर जाकर करना होगा ना, ठीक है। उसके बाद भाई हम कहाँ थे, हम दो प्लगइन को हमने इंस्टॉल किया, ठीक है, एक प्लगइन आप लोगों को बताना था जो कि इस वेबसाइट में मैंने यूज़ किया है, कोई भी बटन पर क्लिक कर रहा है तो उसको ये पॉपअप आ रहा है, पॉपअप के लिए भी आपने अलग से जो है ना, ये एलिमेंटर पे ये ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, अब हमने खुद से जनरेट करना होता है, ठीक है। तो अभी एक प्लगइन मैं इंस्टॉल करवाता हूँ आप लोगों से, जिसका नाम मेरे ख्याल से हॉस्टल है या ऐसे ही कुछ नाम है, ठीक है, तो मुझे नेम इतना याद नहीं है, शायद मैंने पहले यूज़ किया था, शायद वो प्लगइन वाले सेक्शन पर आ जाए, तो ये इंस्टॉल प्लगइन पर क्लिक करते हैं। एड न्यू, लिख कर देखते हैं भाई शायद आ जाए, ये प्लगइन जो है ना काम ये करता है, बड़ा काम का प्लगइन है ये, पॉपअप लिख के देखते हैं, क्योंकि जो ये प्लगइन जो है पॉपअप वगैरह शो करवाता है, और किसी भी वेबसाइट पे किसी भी बटन पर या फिर जो है यहाँ पर शायद हमें मिल जाए, ये आ गया भाई, ठीक है, इसको कर लेना, इसका आइकन देख लो, इसका नेम में जो है ना ग्रुप में आप लोग को सेंड कर देता हूँ, ठीक है, इसका नेम आप देख लो वर्डप्रेस क्वेश्चन वाले ग्रुप में जो है मैं सेंड कर देता हूँ, और बाकी जो है दोनों वो तो इजी है, ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना। उसके बाद अभी इसकी सेटिंग देखते हैं, और WP फॉर्म्स को हटा दो, अभी इसको इंस्टॉल कर लो, और भी देखो मार्केट में जो है ना बहुत सारे प्लगइन है भाई, देखो बहुत सारे प्लगइन है,
प्लगइन की भी डेवलपमेंट होती है। आप लोगों को पता है जैसे वर्डप्रेस में थीम वगैरह की डेवलपमेंट होती है, प्लगइन को भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। पर अभी हम सिर्फ वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीख रहे हैं, ठीक है। उसमें कोड वगैरह आपको आना चाहिए, पीएचपी का नॉलेज होना चाहिए आपको, तब आप लोग कोई प्लगइन वगैरह जो है वो बना सकते हो, ठीक है। आप लोगों तो भाई लेट वगैरह तो नहीं हो रहा? अगर क्लास थोड़ी टाइमिंग 5-10 मिनट ऊपर हो जाए कोई इशू तो नहीं है? फ्री है ना सब आप लोग? ठीक है भाई, क्योंकि ये प्लगइन आज हम लोग समझ लेना तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो अभी 8 मिनट ही रह गए ना, तो जब भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ तो ये कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग आज, थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट हो गया स्टार्ट में। ये इंस्टॉल हो जाए भाई, इसकी हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी, ठीक है। और जब मैं नेक्स्ट वीक क्लास लूँ ना, तो सबसे पहले ये प्लगइन के बारे में आप लोग याद दिला दीजिएगा कि सर हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे थे, ताकि ये कवर हो जाए। इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। उसके सबसे पहले ओपन करो, उस पर भी सेम एलिमेंटर की तरह काम है, मजे की बात तो ये, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन नहीं है, लेकिन जो है ना इसके सेम एलिमेंटर का काम है। अभी देखो किस तरीके से, ये पहले ही पॉपअप आ गया, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करो। क्या बना रहे हो? पॉपअप बना रहे हो, स्लाइड बना रहे हो, या कुछ एम्बेड लिंक वगैरह बना रहे हो, सोशल लिंक क्रिएट कर रहे हो, क्या बनाना चाहते हो? हम अभी बनाना चाहते हैं पॉपअप। ऐसे ही है ना, हमने अभी आ रहे इंजीनियरिंग वाली वेबसाइट पे अब पॉपअप बनाए हैं वहाँ पर, जैसे मैंने आप लोग को बताया, लीड जनरेट करने के लिए, ठीक है। वो लीड क्यों जनरेट करते हैं भाई? ताकि क्लाइंट का डेटा हमारे सामने आ पाए, ठीक है। पॉपअप पर क्लिक करो, क्रिएट पर क्लिक कर दो। यहाँ पर सबसे पहले पॉपअप का एक नेम दे दो, मैं यहाँ पर डेमो रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो ये ऑप्शन जो है टाइप, आप ये पूछ रहे हैं आप कोई भी पॉपअप बनाए उसमें जो फॉर्म आए वो कहाँ से हैंड हो, ईमेल के थ्रू आपके ओटीपी से हैंड हो, ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या इन्फॉर्मेशनल हो। मैं कहता हूँ भाई ईमेल, ये ऑटोमेटिक ऐसे ही रहता है तो ऐसे ही रहने देना, ठीक है। उसके बाद क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करना। देखो बहुत सारे टेम्पलेट आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा पॉपअप आता है। ये देखो मैं आपको होस्टिंगर का बताऊँ, होस्टिंगर जो फेमस साइट है, ब्लैक फ्राइडे ये वाला पॉपअप जो उसके पास आता है, देख रहे हो ये वाला पॉपअप, ठीक है। उसकी वेबसाइट में आप लोग जाके देख लेना, ब्लैक फ्राइडे। तो ये देखो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट, इसको आप लोग चेंज करोगे, कस्टमाइज़ करोगे, ठीक है। अभी चेंज किस तरीके से करोगे, मैं एक फॉर्म को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, मैं जो है ना ये वाले फॉर्म को ले लेता हूँ। आप लोग पहले प्रीव्यू भी देख सकते हो, प्रीव्यू पर क्लिक करोगे ना ये इस तरीके से आ जाएगा, इसका प्रीव्यू आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ये फॉर्म ऑटोमेटिक जो है लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। वेट करना अच्छा है, सबसे पहले तो देखो, डायरेक्ट अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल नहीं कर दो, ठीक है, क्योंकि लाइव आपकी वेबसाइट होगी, ठीक है। अभी ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है, अब ये पॉपअप हमारे सामने आएगा। ये देखो ये पॉपअप आया, कुछ इस तरीके से शो होगा हमारे पास, ठीक है। ये देखो अभी ये फुल स्क्रीन में नहीं है, जब हमारी वेबसाइट फुल स्क्रीन में होगी तो ये मतलब सही तरीके से शो होगा, इस तरीके से पॉपअप। मैं कहता हूँ मुझे नहीं चाहिए, मज़ा नहीं आ रहा मेरी वेबसाइट के लिए, मैं फिर कोई किसी और को सिलेक्ट करूँगा, जैसे ये वाला मैंने वहाँ पर लगाया हुआ है ना, ठीक है। ये वाला ये ट्राई करते हैं, फिलहाल इसकी प्रीव्यू पे हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर चूज टेम्पलेट पर हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ये देखो ये वाले ऑप्शन पर आप सीधा पहुंच जाओगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पर प्रीव्यू देखो सबसे पहले,
कि किस तरीके से दिखती है। ये प्रीव्यू का एक बटन अभी अनलॉक होगा, ठीक है, ये लोड हो रहा है पेज, ठीक है। यहाँ पर आप सबसे पहले टाइटल पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो कंटेंट वाले ऑप्शन में, यहाँ पर देखो चार ऑप्शन है, चार पांच ऑप्शन है, ठीक है ना, ठीक है। बिहेवियर है और बहुत सारी चीज़ें, अभी सब कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। कंटेंट, ईमेल्स वगैरह, अभी सबसे पहले हमें कंटेंट में, ठीक है, अभी इसको प्रीव्यू करके देखो ये कंटेंट है क्या, ठीक है। कंटेंट जो होगा सिंपल टाइटल होगा और कुछ अगर उसमें ऐड करना होगा तो ये अभी आता है तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये देखो इस तरीके से पॉपअप आएगा हमारे सामने। अब ये जो कंटेंट है ना, ये काम है कंटेंट वाले सेक्शन का, ये आप लोग चेंज कर सकते हो, इमेज चेंज कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो ईमेल आ रहा है ना, इसमें कुछ और भी चीज़ें आप लोग अगर आप लोग ऐड करना चाहो ये कंटेंट चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी कट करो इसे, नीचे आ जाओ भाई। उसके बाद अभी तक हमने पब्लिश नहीं किया है, बनाने के बाद आप लोग पब्लिश कर देना, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट पर अप्लाई हो जाएगी। अभी ये सब टाइटल पूछ रहा है तो सिंपल मैं यहाँ पर कर देता हूँ। उसके बाद ये सब टाइटल में अगेन यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये इमेज आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक यहाँ पर उसका आ रहा है क्रॉस का आइकन, उस पर क्लिक करो और यहाँ से इमेज अपलोड कर दो। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए अभी जो है ना यही वाली इमेज, ये लोगो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा मेन कंटेंट है ये फिलहाल ऐसे ही रहने दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पब्लिश नहीं करो, पहले प्रीव्यू देखो ये दिखता कैसा है, अभी हमने कंटेंट चेंज किया। ये देखो इस तरीके से पॉपअप आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पर ये अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अभी इसको कट करो एंड यहाँ पर पब्लिश करो। रेडी टू गो, इसको कैंसिल करो, अपनी वेबसाइट ओपन करो। फर्स्ट इंटरफेस से ये शो होना चाहिए, हमने किसी बटन पर अप्लाई नहीं किया, हमने क्या किया अभी पूरी वेबसाइट पे हमने इस पर अप्लाई किया है कि जब जब कोई हमारे पेजेस को ओपन करे ये पॉपअप उसके सामने शो हो, ठीक है। या आपने ई कॉमर्स वगैरह की वेबसाइट देखी होगी, बार बार जो है पॉपअप आता है उसके उस पर कि कोई सेल वगैरह तो नहीं चल रही भाई, तो वहाँ से लोगों को पता चलता है ये पॉपअप से, ठीक है। लोग आपकी वेबसाइट तो देख रहे होते हैं, साथ में कोई आप सेल या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो यहाँ से आप लोग जो है सारी चीज़ें मैनेज करोगे, ठीक है। स्टूडेंट सक्सेस कॉर्नर आ गया, वही सब टाइटल यहाँ पर आ गया। नहीं, अगर सब टाइटल रखना है तो हटा दो, सिर्फ हेडिंग रखना है, तो ये कंटेंट भी वहाँ पे मैंने दिखा दिया था, ठीक है। अब देखो ये सिंपल ये ओपन हो रहा है, कोई भी एनिमेशन नहीं दे रहा। अगर मैं सेकेंड दूसरे पेज पर जाऊँ तब भी ये शो होना चाहिए भाई। सही है भाई, ये वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी ईमेल की सेटिंग है हमें करनी होगी, कोई भी अपने ईमेल आगे यहाँ पर देता है, यहाँ पर गेट अपडेट्स पे क्लिक करता है तो ईमेल भाई जा रही कहाँ है, ठीक है। लीड जनरेट करने के लिए देखो ये सेंड तो हो गया पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अब देखते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट में कोई नोटिफिकेशन आई, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, मैंने वहाँ से सेंड तो किया हुआ है। हाँ, ईमेल्स वाली सेटिंग पे आप जाके जो है ईमेल्स का सेटिंग वगैरह कर सकते हैं सारी चीज़ें। देखो कोई ईमेल वगैरह हमारे पास नहीं आई, ठीक है। कोई भी यहाँ पर शायद थोड़ी देर बाद आ जाए, या फिलहाल आती तो नहीं अब क्योंकि हमने सेटिंग नहीं की है, वहाँ पर सेंड तो हो गई थी, ठीक है। पॉपअप जो है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टाइटल का तो हमने सेटिंग कर दिया, इमेज भी हमने अपलोड कर दिया, बैकग्राउंड इमेज अभी बैकग्राउंड जो है हमने खाली रखा हुआ है, ठीक है, अपने मेल फॉर्म पे बैकग्राउंड कोई भी यहाँ पर जो है अभी हमने लगाया नहीं है। बैकग्राउंड इमेज सिंपल वाइट इमेज आ रही है, उसको आने दो, ठीक है। फिलहाल ये भी देख लेंगे हम। उसके बाद कॉल एक्शन, इसको नन रहने दो। उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही,
ठीक है। अब ये ऑप्शन आ रहा है देखो, लिंक इन टेक्स्ट, अगर कोई सेंड करता है तो उसको क्या नोटिफिकेशन शो, या फिर अगर कोई कट करता है तो उसको क्या नोटिफिकेशन, यहाँ से कंटेंट चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। ईमेल्स पर आते हैं भाई, ईमेल्स पे देखो, सिर्फ वहाँ पर जो एक ऑप्शन आ रहा था ना, जैसे अभी देखो पॉपअप आया होगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा था गेट अपडेट्स का, सिर्फ ईमेल मैंने यहाँ पे लगाया था। अगर मुझे और चीज़ें लगानी हो, जैसे कि यहाँ पर मैं एक इंसेट इंसेट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे फ़ोन नंबर देखो, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, वेबसाइट, हर कुछ है भाई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नेम मैं ऐड कर देता हूँ, उसके बाद ईमेल, ईमेल तो ऑलरेडी है, फ़ोन नंबर, एड्रेस, इस पर क्लिक करो, ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा। अब एड्रेस आपने ऊपर करना है तो आप ऊपर कर सकते हो, नेम सबसे ऊपर रहता है, ठीक है, नेम और एंड फोन नंबर, ईमेल एंड एड्रेस, ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। अपडेट करो, अपडेट हो जाए, अपनी वेबसाइट पे आओ और अगेन इसे रिफ्रेश करो। यहाँ मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले तो शायद रिफ्रेश नहीं हुआ होगा। ये देखो, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये आ गया। अब वेबसाइट को ओपन करो, वहाँ भी थोड़ी देर बाद ये अभी चेंज हो गया होगा साथ साथ, जैसे कि टाइटल हुआ था, ठीक है, तो फ़ौरन से अप्लाई नहीं हो जाता सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये अप्लाई हो गया है। तो यही आज की क्लास में हमने क्या देखा, हमने फॉर्म क्रिएट किया, उसको एलिमेंटर पे कॉन्टेक्ट के पेज पर ऐड किया, ठीक है। इसके बाद जो है दोनों प्लगइन हमने इंस्टॉल किया, ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद हॉस्टल नाम का एक प्लगइन है, वो हमने किया, ठीक है। उसमें जो है हम पॉपअप वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, लाइक कोई प्रोडक्ट वगैरह हम बना रहे हैं तो उसकी लॉन्च डेट है, वो सारी चीज़ें हम बता सकते हैं, या लीड जनरेट करने के लिए वो सारी चीज़ें आज हमने देख ली। लेकिन अभी मेन काम है इसमें कि इसको सेट किस तरीके से किया जाए। यहाँ पर देखो कंटेंट अजीब सा आ रहा है, अभी फ़िलहाल ये सेट नहीं, इसको पूरी तरीके से बनाना है, वहाँ पर अलग अलग टेम्पलेट को यूज़ करना है, जो कि आप लोग करोगे, ठीक है। अगली क्लास में हम बटन पे किस तरीके से होवर लगेगा भाई, अब प्रॉपर यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, यहाँ देखो एनिमेशन आ रहा है, देखो एनिमेशन यहाँ पर होगा, एनिमेशन भी आप लोग अप्लाई कर लेना, वहाँ एक ऑप्शन होगा, ठीक है, पर मैं नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोगों को प्रॉपर बता दूंगा, ठीक है। यहाँ देखो मैंने इस तरीके से सेट किया हुआ इसे, ठीक है, तो आप लोग भी जो है वो कर लेना, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने इसके होम पर भी पॉपअप लगाया हुआ था, शायद वो देखते हैं वो अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ, जो कि लाइव वेबसाइट है ना ये वाली। शायद इंटरनेट की वजह से, ठीक है, यह मैंने वो पहले ही ओपन किया हुआ था। तो आज की क्लास में भाई आप लोगों को यही बताना था, ठीक है। और सर वो मेरा हेडर वाला भी अभी गए, हाँ भाई ठीक है, वो देख लेते हैं। और टाइम कितना बाकी है हमारे पास फिलहाल के लिए, है हेडर वाला जो है, स्टिकी हेडर प्लगइन इंस्टॉल करना होगा हमें। मैं आप लोगों को लाइव भी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने एक वेबसाइट में करनी थी। यहाँ पर आ जाए, अपेरेंस, सॉरी प्लगइन, ऐड न्यू, एंड यहाँ पर हम लोग एलिमेंटरी लिख देते हैं, वो प्लगइन का नाम शायद क्या, स्टिकी हेडर और ऐसी कुछ नेम था ना उसका। और नीचे आते हैं भाई, ये आ गया, ये शायद एक्टिव है, तो
तो अभी हम आते हैं प्लगइन वाले सेक्शन पर। शायद एक्टिव है। अब मुझे क्या करना है, हेडर पे एक्टिवेट करना है उसे, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, एलिमेंटर हेडर फुटर को ओपन करो। जो आपने हेडर क्रिएट किया हुआ है उस, आ जाओ भाई एडिट विद एलिमेंटर पर। अब अपने हेडर को सिलेक्ट करो, हेडर को सिलेक्ट करो, एडवांस वाले ऑप्शन में। अब देखो ये लिखा हुआ है मेक दिस सेक्शन स्टिकी, इसको अनेबल कर दोगे तो ये जो ऑप्शन है ना पूरे हेडर पर अप्लाई हो जाएगा और ये स्टिकी दिखाएगा, ठीक है। मोबाइल पर भी ये काम कर सकते हो, अगर मोबाइल पे नहीं करना तो ये देखो टैबलेट वगैरह सारी चीज़ें आ रही हैं। मैं मोबाइल को रहने देता हूँ एंड यहाँ पर सिर्फ डेस्कटॉप पर मैं अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर अप्लाई भी कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बार अपडेट कर देना। अगर नहीं चाहते हो तो ये ऑप्शन को ये देखो दोबारा से जाके इसे चेक हटा दो, एडवांस पर जाकर जो है वो चेक हटा दो आप लोग, ठीक है। हमने फिलहाल यहाँ पर मैंने करना है, मैंने लगा दिया इसको भी चेक, ठीक है। अब नेविगेटर पर आते हैं, टॉप वाला सेक्शन को पकड़ते हैं, यहाँ पर भी लगा हुआ है भाई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ अपडेट करो, कुछ देर बाद शायद मेरी वेबसाइट पे अप्लाई हो जाए, पर मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। अब इसे मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं वहाँ पर हटा दूँगा सिंपल, वो प्लगइन अनइंस्टॉल कर दूँगा, ठीक है। फिलहाल कुछ देर बाद जो है ये अप्लाई हो जाए शायद, ठीक है, क्योंकि लाइव हम काम कर रहे हैं, ठीक है। शायद अप्लाई हो जाए, या मैं दूसरे जीमेल पर चेक करता हूँ, शायद वहाँ पर ऑन हो गया हो, इनको नेटो पर चेक कर लेता हूँ कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्लो है, खैर तो आप कर लीजिएगा। फिलहाल ये थोड़ी देर बाद अप्लाई होगा, इंटरनेट भी बहुत स्लो है। आज की क्लास को यहीं पर भाई एंड करते हैं, जो चीज़ें मैंने बताई तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है भाई, वो भी देख लेते हैं। जैम को भाई आप दोबारा से बंद करके ओपन करें, कंप्यूटर जो वो रिस्टार्ट करें, और उसके बाद जो वर्डप्रेस वाला जो फोल्डर था ना वहाँ पर जो खाली फोल्डर था उसको डिलीट करें, ठीक है ना। उसके बाद दोबारा एक प्रोजेक्ट ऐसा करें आप दोबारा से क्रिएट कर लें, ठीक है। जो स्टेप मैंने बताए वैसे ही आप लोग कीजिए, ठीक है। खास तौर पे आप भाई जो अभी कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। दोबारा से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, उसमें शायद ये इशू नहीं है। अगर इशू आता है तो फिर आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके बताइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास भाई ऑफ कर दें, ये रिकॉर्डिंग में आप लोगों को गूगल ड्राइव पे सेंड करके जो है अभी लिंक दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो चीज़ें मैंने बताई हुई है आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। आ गए यार तुम बारिश में। अरे हाँ हेलो हेलो हेलो